वेलकम बैक एवरीवन इन अ न्यू वीडियो। आज मैं आपको फ्लैश एक्स के हजार्ड्स जो प्लग इन प्ले है इसको इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा। आप इसको कैसे गाड़ी में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है पल्सर N160 और मैंने जो इसमें फ्लैश एक्स के मंगवाए हैं अमेज़ोन से, ये देख सकते हैं आप। ये हजार्ड मॉड्यूल प्लस एक्स, 3 साल की वारंटी है इसके अंदर और प्लग इन प्ले 60 पैटर्न, कोई स्विच इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। टेल लैम्प भी इंटीग्रेशन है इसके अंदर, टेल लैम्प भी है जो ऑन ऑफ होगा। ऑन बोर्ड इंडिकेटर, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें भी एक सिग्नल के लिए इंडिकेटर बने हुए। वाटर रेजिस्टेंट, OEM ब्रेक, शॉक प्रूफ, मेमोरी रिकॉल, ऑटो पॉज फीचर। ये बजाज डोमिनार 400 के हैं। सिंपली प्लग एंड प्ले डोमिनार और N160 दोनों के जो सेम वायरिंग आते हैं, टोटली सेम है, अंदर भी बाहर भी सब कुछ सेम है। ये देख लीजिए पैकिंग इसकी, देखते हैं इसके अंदर बॉक्स कंटेंट क्या है। ये आपको वायरिंग मिल गई इसकी और शर्ट कुछ गिर गया, ये वायरिंग हो गई। ये अलग ये स्टिकर फ्लैश एक्स के स्टिकर्स, ये है आपका मेन हजार कॉम्पोनेंट। इसको यहाँ पुश करो, निकालना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। अंदर में डाउन पुश करो, सिंपली ऊपर की ओर खींचो। ये है, ये इसके LED है जो सिग्नल वाले, बस इतना ही है इसके अंदर बॉक्स पैकेजिंग। चलिए मैं इसको आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, मिलते हैं। तो ये सबसे पहले अपनी चाबी निकालो, चाबी निकाल के सबसे पहले अनलॉक करना है सीट को, इसको आगे की तरफ खींच लेना। ये ओपन हो गया, इसको आपने हटाना है, इसको बाहर निकालना है। ये इसकी वायरिंग, मैंने पिछले वाले हजार्ड को हटा दिया है अभी, ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने यहाँ पे पैक करके रख दिया। उसकी भी वायरिंग की हुई है, सारी जगह से डिस्कनेक्ट है, ज़रूरत पड़ेगा तो उसको भी मैं ऑन कर सकता हूँ अगर इसने कभी धोखा दिया तो। ये मैंने सब पे मार्क लगा दिया है, ये जो ग्रे वाले हैं ये राइट इंडिकेटर के, ये ग्रीन वाले जो हैं ये लेफ्ट इंडिकेटर के, और ये आपका नंबर प्लेट साइड जो है ये उसका है, और ये आपके पिछले टेल लाइट के। तो आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप इसको ले लो, फ्लैश एक्स उठा लो और ओके, ये आप देख सकते हैं इसको, बस इसको ये लॉक हो गया, इसके साथ ये लॉक हो गया। फिर इसकी वायरिंग इस पे आप देख लीजिए, सब सारे वायरिंग्स पे जो यहाँ पे बना हुआ है किसमें कौन सी वायरिंग जाएगी। ये ब्रेक लाइट, ये ब्रेक लाइट के लिए है, तो इसको हम सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले इसको खोल लेंगे, ये देख लीजिए आप वायरिंग देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें ये ब्राउन ब्लू एंड येलो ब्लैक ये वायर आते हैं, इसको आप ओपन कर लो। इसकी मेल फीमेल को मिला के ग्रीन वाले को ये हो गया। फिर इसका ये जो है इसको इसके अंदर सबको सब कनेक्शन देना है, टर्मिनल बनाने है। हो गया, और इसमें ये बजाज डोमिनार नंबर प्लेट, ये रेड वाले नंबर प्लेट पे जाएंगे, तो ये नंबर प्लेट के लिए ये हो गया।
इसको यहाँ से अनलॉक करना है। बहुत इजी है, ज़्यादा आप इसमें अपना प्रेशर ना लगाएं, बस ये क्लिप को थोड़ा उठाना है। इसको हल्का उठाइए और बाहर की तरफ ऐसे खींच लीजिए, इजीली खुल जाएगा। फिर इसके मेल फीमेल को मिला के इसके अंदर, इसके मेल फीमेल को मिला के इसके अंदर, ये खुद ही, ये देखिए खुद लॉक हो गया, एकदम प्लग एंड प्ले है। सारे कपलर्स इसके अंदर मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये राइट इंडिकेटर के वायर को, इसको यहाँ से इसका क्लिप खोलिए, ये ओपन हो गया। अब यहाँ देख लीजिए लेफ्ट इंडिकेटर, ये है राइट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर के मेल फीमेल, तो राइट ये हो गया हमारा। इसके अंदर इसको डालिए, ये हो गया फिक्स। और इसके जो ग्रे हैं, ग्रे वाले के अंदर ये जाएगा, ये भी लॉक हो गया। अब ये है लेफ्ट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर इस ग्रीन वाले कपलर में है, ये ग्रीन वाला लेफ्ट है, यहाँ एल मैंने लिख दिया है। इसको यहाँ से खोलिए क्लिप को, बस इसके अंदर मेल फीमेल मिला के इसको अंदर डाल देना है, हो गया। फिर ये हो गया, आप देख सकते हैं एक भी वायर इसकी नहीं बची, सारे प्लग इन प्ले हैं, सारे फिट हो गए। डोमिनार के जैसे हैं वैसे ही सेम टू सेम इसके हैं N160 के, ये देखिए हो गया। अब अपन ये की को उठाते हैं, की को गाड़ी में लगाए, ऑन किया, ये गंदी हो गई है थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ प्लग एंड प्ले। फ्लैश एक्स यहाँ पे, मैं आपको भी इसकी लाइव डेमो दिखाता हूँ कैसे ये वर्क करता है। गाड़ी को ऑन किया, गाड़ी को ऑन करने के बाद अगर आपके पास ये N160 ड्यूल चैनल ABS वर्जन है तो आपको सबसे पहले हेडलाइट ऑन करना पड़ेगा, ये बिना हेडलाइट ऑन किए हुए नहीं वर्क करेगा। हेडलाइट ऑन किया, ये देखो आप, अभी देखना ये शुरू। इसको ये आपका गाड़ी स्टार्ट होते हैं जो ये दो बार ब्लिंक करेगा, इंडिकेटर्स सब ब्लिंक करेंगे। और अगर आपको इसको रेगुलर ब्लिंक कराना है, उसके साथ मैनुअल भी दिया था, तो ये इसके साथ ये मैनुअल भी आया था। मैनुअल में क्या है, टू एक्टिवेट द फ्लैश एक्स, टॉगल राइट, टॉगल लेफ्ट, टॉगल राइट, टर्न ऑफ, तो ऐसे ही आपको करना है, राइट लेफ्ट गाड़ी को स्टार्ट करना है। ये देखिए खुद से वर्क करेगा, सबसे पहले जो वो खुद से ही, मतलब कि गाड़ी की हेडलाइट जैसे ऑन होगी, वो है जो चारों इंडिकेटर्स खुद से जलेंगे एक सेकंड के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। फिर आपको राइट लेफ्ट राइट डाउन, ये देखिए शुरू हो गया। यहाँ आप देखिए ये भी वर्क करना शुरू, पिछले इंडिकेटर आपको दिखा दो, ये देख सकते हैं आप। अब टेल लाइट दिखाता हूँ मैं, इसमें पैटर्न चेंज करने के लिए आपको लेफ्ट मिडिल, ये पैटर्न चेंज लेफ्ट मिडिल, लेफ्ट मिडिल, ये पैटर्न चेंज, लेफ्ट मिडिल, ये आप इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं ब्लिंक करके, ये ऐसे वर्क करेगा। फिर इसमें पैटर्न चेंज करना, लेफ्ट मिडिल, ये फिर चेंज,
फिर से पैटर्न चेंज करना है, लेफ्ट मिडल। फिर से पैटर्न चेंज करना, लेफ्ट मिडल। परफेक्टली वर्किंग है, ये देखिए ये पैटर्न। गाड़ी जब तक स्टार्ट नहीं होगी तब तक ये काम नहीं करेगा, आपको गाड़ी स्टार्ट करना ही पड़ेगा इसके लिए। ऑफ में ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। ये पैटर्न देखिए, सब कुछ स्टार्ट करने में पहले थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, सही से आप इसके यूज़र मैनुअल को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही ये जो ये वर्क कीजिएगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन करना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, कोई आपको मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। और ये फ्लैश एक्स मैंने 1700 रुपये में अमेज़ोन से मंगवाया, 3 साल की वारंटी है, बेस्ट है, प्लग एंड प्ले है, सबसे बेस्ट चीज़ इसका यही है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया पहले वाले को। अगर किसी को चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आ रही होगी तो सॉरी। ये गाड़ी ऑफ होने के बाद ये नहीं वर्क करेगा, आपको गाड़ी ऑन करनी पड़ेगी ऐसे। ये देखो पहले स्टार्टिंग में ऐसे खुद से ही ये जलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर आपको ऑन करने के लिए राइट लेफ्ट राइट मिडल शायद थोड़ा टाइम लगता है इसको एक्टिवेट होने में फर्स्ट टाइम। ये शुरू हो गया, तो बस यही थी आज के वीडियो में, अगर पसंद आई हो। सॉरी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कितना किलोमीटर इसको चला लिया है और माइलेज मुझे कितनी मिल रही है इस गाड़ी से। 2489 आज ये तकरीबन 2600 किलोमीटर आज ये चल जाएगी गाड़ी, और माइलेज मैं दिखा देता हूँ, ट्रिप 1 36, माइलेज बहुत ख़राब है, ट्रिप 2 36, डिस्टेंस 20 170, कल ही मैंने तेल लिया है इसके अंदर 550 रुपये का। फ्यूल इकोनॉमी वो कुछ नहीं अभी बताएगा, जब तक ये जब तक इसके व्हील्स नहीं मूव करेंगे तब तक वो बताएगा नहीं। तो यही थी, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलती है, और ऐसे ही बस जुड़े रहिए तो और फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहेंगे, कुछ भी अगर न्यू मॉडिफिकेशंस गाड़ी पे आती है तो सब कुछ आपको अच्छे से बताया जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट के अंदर कमेंट करके पूछना ना भूले, सारे डाउट्स का आपको आंसर दिया जाएगा, और प्रोडक्ट की लिंक भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप तो वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। So thank you for watching. Hope video आपको अच्छी लगी हो. So thank you so much.